हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में थ्री लेयर अम्ब्रेला स्लीव की कटिंग हम लोग करेंगे। यह इस समय ट्रेंड में है फ्रेंड्स, और बहुत ही खूबसूरत लगती है पहनने पे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमने 1 मीटर नेट का कपड़ा लिया है। कोई भी सॉफ्ट कपड़ा आप ले लीजिएगा, सॉफ्ट कपड़े पर स्लीव बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए, हमने इस तरह से करके कपड़े को पहले खोल लेना है, और इसकी हम 3 लेयर कट करेंगे फ्रेंड्स। तो एक लेयर देखिए हम 12 इंच की कट करेंगे। इसे हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है। अब देखिए, इस तरह से नाप करके हमने 12 इंच की लंबाई ले लेनी है। 12 इंच लंबाई, 12 इंच चौड़ाई का हम 2 पीस कट करेंगे। तो देखिए, इस तरह से करके हमने इसको यहाँ से फोल्ड कर देना है। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। ये देखिए, इस तरह से हमने 4 फोल्ड में इसको फोल्ड किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 4 फोल्ड में 3 पीसेज लिए हैं। एक हमारा 11 इंच का है, एक 7 इंच का और एक 9 इंच का। तो इस तरह से करके हमने सबसे पहले बड़ी वाली लेयर कट करेंगे। तो ये जो हमारी 11 इंच की लेयर है फ्रेंड्स, इसे हमने 12 इंच पे कट किया था, पर थोड़ा सा कपड़ा तिरछा होने के कारण 11 इंच पर आ गया है। तो देखिए, पहले हम अपने ब्लाउज का आर्म होल नाप लेंगे। एक साइड का आर्म होल नापेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारा 9 इंच आ रहा है, 9.5 इंच। तो हम उसका हाफ करके इस तरह से 4.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। 4.5 इंच यानी 4.75 इंच। तो इस तरह से करके इसको हम राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारे स्लीव की बड़ी वाली लेयर होगी, ये 5.5 इंच की आएगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने देखिए 6.5 इंच पे मार्क लगाना है। ये देखिए, 6.5 इंच पे हम इस तरह से मार्क लगा लेंगे राउंड शेप लेते हुए। यहाँ पे भी 6.5 इंच लेना है, और एक कॉर्नर पे भी 6.5 इंच लेना है। इस तरह से हमने राउंड में शेप दे देना है इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कपड़े को हमने 4 फोल्ड में रखा है। इसमें हमारी दोनों स्लीव आ जाएगी, दोनों साइड की। तो अब हम इसको कट कर लेंगे, क्योंकि ये अम्ब्रेला स्लीव है फ्रेंड्स। ये देखिए, हमने शेप के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। अब इसको भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से करके हमने इसे कट कर लिया है। अब एक साइड से देखिए इसको खोल देंगे। ये देखिए, सेंटर पे हम कट लगा लेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा जो सेंटर है, शोल्डर की सिलाई पे जाएगा। तो अब देखिए, अपना आर्म होल लेके इस तरह से नापेंगे। अगर हमारा आर्म होल कम आ रहा है फ्रेंड्स, तो देखिए फिर इसको इस तरह से करके हम एक्स्ट्रा जो कम पड़ रहा है उसको कट कर लेंगे, तो हमारा परफेक्ट आर्म होल आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने नीचे की साइड 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है। ये देखिए, और अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे फ्रेंड्स। देखिए, आपका आर्म होल अगर छोटा हो तो आप इस तरह से कट करके आर्म होल को बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम आर्म होल को नाप लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर के सेंटर से रखेंगे और इस तरह से नापेंगे। देखिए, अब एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो आप इस तरह से अपने आर्म होल को नाप के कट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी 2 लेयर कटी है, मतलब एक ही साइज़ की 2 लेयर है, जो कि दोनों स्लीव की हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम सारी लेयर को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने छोटी वाली लेयर भी कट कर ली है फ्रेंड्स। तो अब छोटी वाली लेयर को हम देखिए बड़ी वाली लेयर के ऊपर रखेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको शेप दे देना है। और ये जो छोटी वाली लेयर है फ्रेंड्स, ये 3.5 इंच पे हमने कट की है। तैयार होके ये 2.5 इंच पे आ जाएगी। तो देखिए, इस तरह से करके हमने 2 लेयर कट कर ली है। अब हम अपनी बीच की लेयर को कट करेंगे। इसके लिए देखिए, हमारे पास स्क्वायर में डबल फोल्ड कपड़ा नहीं था फ्रेंड, तो हम इसे अलग अलग कट करेंगे। छोटी और बड़ी लेयर को हमने 4 फोल्ड में कट किया है। इसे हम डबल फोल्ड में कट करेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग से दोनों स्लीव आएगी, और उसे हमने एक साथ कट करके अलग कर लिया था। तो बात एक ही होती है फ्रेंड्स, आप चाहे अलग अलग कट करें या एक साथ कट करके अलग कर लें। तो देखिए, यहाँ पे मैंने छोटी वाली स्लीव को रखा है, उससे 2 इंच एक्स्ट्रा बड़ी रखेंगे इस वाली स्लीव को, जो बीच की स्लीव है। छोटी स्लीव से 2 इंच बड़ी हमारी बीच की स्लीव रहेगी, और बीच की स्लीव से 2 इंच बड़ी हमारी सबसे बड़ी वाली स्लीव रहेगी, स्लीव का लेयर। तो देखिए, इस तरह से करके हमने राउंड शेप ले लेना है, और इसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं फ्रेंड्स। ऊपर का शेप भी हम इसी के अकॉर्डिंग लेंगे। सेंटर पे कट लगा देना है फ्रेंड्स। तो देखिए, हमने तीनों लेयर को इस तरह से इक्वली कट कर लिया है। तो हमारी यहाँ पे तीनों लेयर दोनों हाथ की कट हो गई है।
तो अब हम नीचे की साइड दोनों लेयर को सभी लेयर को फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो पीको करा लें फ्रेंड्स। तो देखिए राउंड वाले पार्ट को हमने इस तरह से फोल्ड करना होता है। इस तरह से फोल्ड करने पे एकदम राउंड शेप अच्छे से बन के आता है फ्रेंड्स, एकदम परफेक्टली फोल्ड हो जाता है। तो देखिए इस तरह से करके हाथ को हमने रखते जाना है और राउंड को फोल्ड करते जाना है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से फिंगर को रखते जाना है और फोल्ड करते जाना है फ्रेंड्स, परफेक्टली फोल्ड हो जाएगा अच्छे से। देखिए कितने अच्छे से हमारा ये राउंड फोल्ड हो गया है। अब देखिए एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे और फिर से इसको डबल फोल्ड करेंगे तो ये हमारी फिनिशिंग के साथ सिलाई आ जाएगी, अच्छी फिनिशिंग आएगी फ्रेंड्स इस तरह डबल फोल्ड करने पे। तो देखिए फ्रेंड्स आप जितने भी बारीक चाहें इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए हमने एक लेयर फोल्ड कर ली, इस तरह से सारे लेयर को हम फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए सारी लेयर को फोल्ड कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स सीधी साइड से सबसे पहले हमने बड़ी वाली लेयर को रखना है, फिर अपने सेकेंड वाली लेयर को रखेंगे फ्रेंड्स। और देखिए हमने पहले से सेंटर पे कट लगा लिया है। कट लगाने देखिए सिलाई कितनी आसान हो जाती है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने अपनी छोटी वाली लेयर को रखना है और सभी लेयर को हमने सीधी साइड से रखा है फ्रेंड्स। और देखिए कट से सेंटर के कट से कट को मिलाते हुए तीनों को बराबर से पकड़ लेना है और रफ़ स्टिच लगा लेनी है, कच्ची सिलाई लगाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने तीनों लेयर को एक साथ ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए इसे सेंटर से इस तरह से फोल्ड पकड़ लेंगे, देखिए बराबर से। अब देखिए फ्रेंड्स अपने आर्म होल पे हम सिल लेंगे। तो देखिए अपना हमने ब्लाउज का पार्ट लेना है और जो हमने सेंटर पे कट लगाया है इसी सेंटर को शोल्डर के सेंटर पे रख करके दोनों साइड से हमने सिलाई कर लेनी है। हम जैसे हम हमेशा स्लीव को ज्वाइन करते हैं फ्रेंड्स, स्लीव हम हमेशा सेंटर के शोल्डर के सेंटर से ज्वाइन करते हैं, इसी तरह से स्लीव को भी हमने ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए एकदम इक्वली हमारा पार्ट आया है फ्रेंड्स। अगर आपका पार्ट छोटा बड़ा हो रहा है तो आप एक्स्ट्रा नीचे से स्लीव को कट कर सकते हैं, इससे आपके शेप में कोई कमी नहीं आएगी। तो देखिए इस तरह से हमारा तीनों लेयर कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है फ्रेंड्स। अब इस पर हम फिटिंग लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम दूसरी साइड की स्लीव भी बना लेंगे और ब्लाउज को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से तीन लेयर कितनी खूबसूरत लग रही है। अभी हम आपको इस ब्लाउज का पूरा फाइनल लुक दिखाएंगे फ्रेंड्स। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।